Welcome. You are watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Just hours to go for phase one polling of Gujarat. The gloves are completely off. Abuses flying thick and fast across battle lines, pushed into a corner by a massive offensive launched by the BJP over insults hurled at the Prime Minister after its newly elected President Mallikarjun Kharge compared the PM to Ravan and Jhooto ka Sardar. The Congress today decided to pay back in the same coin by releasing a compilation of what they call were derogatory statements by the Prime Minister against leaders of the Congress. And the Congress said that the BJP of all parties has absolutely no locus standi to grandstand when it comes to gali politics. हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच को उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी वो दीमक की तरह है। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे? क्या आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि मामा के घर से लाए थे क्या ये पैसे? कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? So today the Congress said, ये public है, ये सब जानती है, no one can play holier than thou when it comes to using abusive language or derogatory statements in politics. But this wasn't all. Adding more firepower to its two-pronged attack on the BJP, the Congress leaders then went on to play the Dalit card to gun for the saffron party. One after the other, senior leaders alleged that Mallikarjun Kharge was being targeted by the BJP because he belongs to the most deprived community, because he comes from the Dalit community. Supriya Srinath dubbed criticism of Kharge's comments as BJP's anti-Dalit tirade. This comes after the BJP went ballistic against Kharge for these remarks. और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं, मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं, कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है का? अरे ऐसे बात कहे कहे के अगर आप सिंपति जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे, कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। Unfazed by the Congress's counter-attack, BJP refused to relent on what they called an insult to the people and the pride of Gujarat, calling derision the Congress's very ideology and sanskar. The BJP said that it was confident that Gujarat's janta will avenge the insult to its son. Gujarat nahi, pure desh ke har chunav mein sabse bada chehra pradhanmantri hai. Hamare sarvoch neta hai aur itna lokpriya neta hona bhi पार्टी के सौभाग्य की बात है। मैं मानता हूं ये सारी गाली गलौज का जवाब गुजरात की जनता कल 1 तारीख को और 5 तारीख को दे। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है यह उसकी सोच का परिणाम है। जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा और यह प्रश्न उपस्थित किया कि क्या सचमुच राम पैदा हुए थे, ऐसे लोग
उनको रावण की उपमा दे रहे जिन्होंने 700 साल का कलंक मिटाकर रामलला के मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह जी इज मिसलीडिंग द एंटायर एपिसोड। व्हाट खारगे जी हैज टू टेल टुडे द न्यूज़पेपर हैज रिपोर्टेड कंप्लीटली। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू राजनाथ जी आई एम requesting it to him, at least read this his speech, then comment on it. You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, we have Tom Vadakkan, spokesperson of the BJP, Yuvraj Pokharna, columnist joining us from Ahmedabad, Kamar Zaman Chaudhary, leader of the Congress, Shoaib Jamai, Islamic scholar, political analyst Parvinder Singh Sethi. My first question is to you, Tom Vadakkan. You always say that the Prime Minister is abused for his caste. Now the Congress is saying straight away that you are abusing Mr. Kharge, who's a Dalit. You are anti-Dalit. Hindi mein kahawat hai, Padmija, chor kotwal ko daate. कहा किसने और डांट किसको पड़ रहा है? He said something which is not acceptable across the country against the Prime Minister of this country, the Republic of India. He's not BJP's Prime Minister. He's not Congress Prime Minister. He's the Prime Minister of this country. And you call him what you call. I do not want to repeat what he said because हमारे संस्कार में ये acceptable नहीं है। अगर आप ये कहते हैं एक apology due है, प्रधानमंत्री election campaign के बीच में आप बिना संस्कार ऐसे शब्द इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। और अगर उसको आप आगे लेकर उसको दलित factor include करोगे So that's changing the narrative. जी, you, संस्कार ही खराब है कमर जमान चौधरी. So now it's come down to this. It is what is instilled on you in terms of your ethics and your morals. You know, Padmaja, I find a very uncanny similarities between today and a past which we all would want to forget, a world history, a part of our world history. You know, they are the Weimar Republic. They were also corrupt, considered to be corrupt by the ruling party then. And cowardly, just like the Congress party, according to these people sitting on the panel. Now, the question remains out here that a prime minister of the country who has got his idols from the RSS, who is from a humble background, nobody is denying that he must be from a, he fought the crocodiles. He slept in the pavements of the platforms. He sold tea in the platforms. Then he invented the telephone when even we did not have the basic technology. So these are all this thing rhetorics that the people like Who to enjoy. The telephone? And the most unfortunate part is that the ecosystem believes in what he says. That's the most unfortunate part. Sir, I don't know who the ecosystem is, but I know for a fact that the Prime Minister did not invent the telephone. Name calling is. I don't know when he claimed it, but even if he did, I know for a fact that he did not invent the telephone. I learned this in school. That being said, respond to what is being said, ki ye aapko sanskar instill kiya hua hai, that it's okay to abuse a man and make casteist comments. No, we never used to insult any. Rather, we were insulted. Don't you remember those words when Bar ki ladki, iske baad mein 50 crore girlfriend, or when he came to campaign in Bengal, the Didi or Didi catcalling? Who has done all these things? Today, the Congress party has released a video to just show these people. They look back and reflect at what you have, how you have insulted the Congress's leaders over the period of time. But then you will not learn. All right, so all of the BJP's utterances we'll come to in just a second. But let me quote to you some specifics, Yuvraj Pokharna. Today we have Mohan Kumar Mangalam saying this isn't the first time someone in the BJP has tried to marginalize a leader from the Dalit community by referring to them as fringe. If they had their way, there would be no affirmative action. Then you've had Supriya Srinath also saying that the BJP is deliberately insulting Mr. Kharge because he is somebody who comes from a marginalized community, who belongs to a Dalit community. So essentially, jisko kehte hain ki giving you a taste of your own medicine. Aap pradhan BJP Modi ji ke upar OBC ka card khelti hain, Kharge ji ka Dalit ka card khel diya. Now,
So, namaste, Padmaja. I think our learned friends in the Congress are not very much aware of the name of Mr. Kovind ji, jo hamare rashtrapati the. And Kovind, I think, was a Dalit leader, if I'm not mistaken. And abhi bhi jo president hamare, she hails from a very, very humble background and she's a tribal leader herself. So, main ye charge accept nahi kar pata. And when Congress cries foul, it is a classic case of the pot calling the kettle black. Or when it comes to taking political jibes and pot shots, it is a reality that we need to agree. But what Congress involves in, it is not merely political jibing. It is actually cussing the PM. And let me quote a few instances. Give me just 30 seconds. Sonia Gandhi in 2007, Motka Sodagar. Priyanka Gandhi, Neech Rajniti. Rahul Gandhi, Khun Ki Dalali. Rahul Gandhi, Chaukidar Chor Hai. Khadke Ji Ka Toh Jaane Dete. Madhusudan Misri, Inko Unke Aukaat Dikhayenge. Sanjay Nirupam, Modi Anpad Gawar. Manishankar Aiyar, Neech Aadmi. And let us... let us go with the best one. Okay. Best as in the best for the Congress. Salman Khurshid in 2014. PM Rapunsak hai. Imran Masood. Boti boti kar denge inki. And last not the least, in January 2020, a veteran Congress leader who's no more with us, Nillai Kannam, he exhorted the Muslims to assassinate PM Modi. So, do you think these are political jibes? Or these are political pot shots? Okay, these are not just jibes. These have gone on to threats. To assassinate the PM. Kamar Zaman Chaudhary. You didn't stop at even distasteful comments, course, you went on to threaten. And the worst part, these are not even real threats. These are blatant threats. Now, Padmaja, I like to bring a different discourse, debating table today. You know, the likes of Atal Bihari Vajpayee, Jawaharlal Nehru, or those times, when their political discourse between opposing sides was at such a high level that one used to acknowledge the accomplishments of other politicians in the this thing. Though we would have been a bitter rivals, they were. But then they never stooped such low as describing a woman who has lost her husband, who has lost her mother-in-law to terrorist attacks, to Italike bar dancer. These are the comments that these people from the Hindutva right-wing extremist groups... Terrible as it is, who called her that? Are you saying the Prime Minister said that? Ex-President. Now, this is the condition. You know, that's why I am comparing... So I am comparing present-day ruler of India with that erstwhile ruler of Germany. Because there are uncanny similarities. Both belong to the poor families. But okay, quick response, Yuvraj Pokharna, then I bring in Shoaib Jamai. Quick response, Yuvraj Pokharna. Nobody can claim to be holier than thou, and that is the bottom line. Everyone is sir, using you're it to their you're gravely either you're gravely mistaken or you're misleading the nation. It's a baseless allegation. And if you're referring to our erstwhile PM, that is Atal Bihari Vajpayee ji, to un logon ne magnanimity dikhai, Congress bhi dikha sakti hai. You had the power for 70 years. You can be magnanimous. आप खुलेआम ये बोलोगे कि पीएम को मार दो, बोटी बोटी कर दो, नीच आदमी है, कुत्ते की मौत मरेगा. Is this the political discourse, the high moral ground that you're preaching us right now? Shoaib Jamai, sorry, quoting Atalji, it is being said ki mat bhed hona chahiye, man bhed nahi hona chahiye. Yuvraj Pokharna is saying it has gone beyond man bhed. Now you're talking about boti boti. तो आप मन भेद की क्या बात कर रहे हैं? चीजें इतनी खराब हो गई हैं दैट अब तो मतलब तू तड़ाक पे बात आ गई है. नहीं, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, उनके श्रद्धांजलि में जाने का मुझे मौका मिला. आज ही मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने नेहरू के सामने ये कह दिया था कि आप चैम्बरलिन भी हैं और आप जो है एक और उन्होंने किसी तानाशाह का नाम लिया. तो ये बात कहने के बाद नेहरू जी ने उनसे कुछ नहीं कहा और एक बाद में खाने पे मिले बैंक्वेट हॉल में तो कहा कि आज तो बहुत जोरदार भाषण दिए और मुस्कुरा के चल दिए. तो ऐसे थे नेहरू जी. लेकिन आज आप देख लीजिए, जरा सी बातें हो जाती है, लोग राजनीतिक जो है बहुत ज्यादा मतलब शत्रुता हो जाती है, एनिमी बन जाते. आई डोंट थिंक इट्स अब्यूज. दो रावण वाज अ वेरी लर्नेड मैन एंड इवन वर्शिप्ड बाय सो मेनी पीपल इन इंडिया, इवन द ब्राह्मिन. और मैं नहीं मानता हूं, इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में आप लीजिए. हाँ, उसका अल्टीरियर मोटिव था, उसने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन. अच्छा, लेकिन आज इस एजेंडे पे मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, 30 सेकंड लूंगा. देखिए, एक गांव अगर आप कभी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आप रावण को अपना इलेक्शन सिंबल बना के लड़ेंगे? क्योंकि यू होल्ड रावण इन सच हाई एस्टीम, आप रावण को इलेक्शन सिंबल बना लीजिए.
ऑलरेडी है वो भीम आर्मी का जो चीफ है वो अपने नाम रावण रावण ये पूछे दिक्कत नहीं है अपने ये बच्चों का नाम रावण रखोगे और यू नो मेजोरिटी ऑफ द हिंदू आर एक्चुअली द दलित मतलब अगर आप देखेंगे रियलिटी में तो बहरहाल मैं जो एक बात पॉइंट आउट करना चाह रहा था वो ये ना कांग्रेस ना बीजेपी ये दोनों आपस में खेल रहे हैं एक चालाक बाप जो ऊंची जाति का उसने कह दिया कि बेटा तुम इस तरफ लड़ो दूसरा कह दिया तुम इस तरफ लड़ो ये उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं ये उसके खिलाफ पांच साल ये रहेंगे पांच साल दूसरा रहेगा आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड मत बनाइए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए ऑप्शंस और भी हैं अब जनता अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी और आपको देखेंगे कि तीसरा मोर्चा अगले चुनाव में आप बड़ी okay, तीसरा मोर्चा और आपने एक तीसरा इंटरप्रिटेशन दिया है रावण को भी टॉम वडक्कन वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड एक्चुअली मिस्टर जमाई थिंक्स दैट दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट टू मिस्टर मोदी सेइंग कि आप ओमनीसिएंट हैं आप बहुत विद्वान हैं आप एक ब्राह्मण हैं आप सर्वविदित हैं टॉम वडक्कन पद्मजा मैं तो ये कहूंगा कि आफताब भी एक ऑनरेबल आदमी है बहुत अभी जो हालात में जो 36 पीसों में एक महिला का पीसेस में जो काटा वो भी मैं अगर रावण भी बड़ा मतलब रिस्पेक्टेबल आदमी है तो मैं समझता हूँ अब इस हालात में सोहेब साहब आफताब को भी एक ऐसा पर्सनालिटी कहेंगे कि भाई बहुत रिस्पेक्टेबल है मैं कुछ नहीं कहूंगा बस यही कंपैरिजन करूंगा आफताब इज वेरी इंसल्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर सर प्लीज डोंट कंपेयर हिम विद द आफताब डोंट कंपेयर प्राइम मिनिस्टर विद द आफताब मैं रावण को कंपेयर कर रहा हूं भाईजान समझने की कोशिश करो अगर रावण रिस्पेक्टेबल है आफताब भी रिस्पेक्टेबल हो जाएगा आपके हिसाब में आपके किताबों में आफताब को भी वो टर्मिनोलॉजी में कहेंगे जनाब आफताब आपने बहुत बड़ा काम किया और रावण के साथ आप उसको साथ बिठाएंगे मैं बस इतना ही कंपैरिजन कर रहा हूं ओके लेट्स जस्ट कीप आफताब आउट ऑफ दिस बट अगेन सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द नेम्स बीइंग कॉल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर युवराज पोखरना व्हाट अबाउट इटली की बेटी मनमोहन ये शावर में भी रेनकोट पहन के नहाते हैं ये चीजें कैसे डेरोगेटरी नहीं है पद्मजा आई हैव अ स्मॉल लिस्ट एज यू सेड इटालियन लेडी मनमोहन नाइट सी एज आई सेड दीज आर पॉलिटिकल जाइब्स एंड लेट अस बी वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट दिस पॉलिटिकल पार्टीज डू टेक पॉटशॉट्स एट देयर ओपोनेंट्स तो दिस वाज अनदर लेवल बट यहां तो आप खून की दलाली करते हो सैनिकों की वोटी वोटी कर देंगे प्रधानमंत्री नपुंसक है तो आई मीन कैन यू कंपेयर दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस आप जान से मारने की बातें कर रहे हैं और अभी बहुत सटल तरीके से अवर लर्नड फ्रेंड शोएब जमाई He used a word कि अपर कास्ट हिंदू की बड़ी जाति तो शोएब भाईजान इसमें आप जातियों की बात क्यों लेके आ रहे हैं फिर तो हम भी पसमानदा मुसलमानों की बात कर सकते हैं सर आप में भी कितने जातियां हैं 73 जो सेक्ट आप बोलते हैं मैं जाति मानता हूं उन्हें तो फिर हम भी शिया सुन्नी कर सकते हैं तरीकों की बात कर सकते हैं सिलसिलों की बात कर सकते हैं ये इस डिबेट में आप जाति को मत लेके आई है ओके लेट्स जस्ट कीप दैट असाइड आल्सो इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन अ थ्रेट एंड व्हाट कैन ओनली बी टेकन एज टेकिंग पॉट शॉट्स एट ईच अदर परविंदर सेठी नहीं देखिए उस बात पर भी मैं आऊँगा पहली बात तो यह है कि देश आज शर्मिंदा है हमारे देश की टॉप मोस्ट लीडरशिप जो प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता हैं जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और भाषा की मर्यादा पहले जो नेता होते थे वो रोल मॉडल होते थे और जो यूथ था उनको अपना रोल मॉडल समझता था लेकिन आज जो टॉप मोस्ट रोल मॉडल अपने नेता हैं उनकी भाषा सुनकर देश शर्मिंदा है आप इस बात को समझिए कि देश के प्रधानमंत्री का हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए लेकिन देश के प्रधानमंत्री को भी भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं बात कह रहा हूं वो देश में नहीं पूरे संसार के अंदर सुनी जाएगी और उसका कैसा मैसेज जाएगा आज का जो यूथ है वो आज के पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता हमें जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का मायार ऊंचा रखें ताकि लोग फिर से उसके
किरदार को, उसको लाइक करें, उसको अपना रोल मॉडल बनाएं, और इस इसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। ग्रेट वर्क परविंदर सेठ जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं ऑर्डिनरली। मैं आपको याद दिला दूं कि कल ही एक वीडियो आया है गोपाल इटालिया का, और उनके कई सारे आए हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि महिलाओं को कथावाचक के पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी की माता जी को ही नौटंकीबाज बता दिया। कल वो स्वामीनारायण सेक्ट के लोगों को बुलशिट बोल रहे थे। तो आप स्वच्छ पॉलिटिक्स की बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट वो हैं फिर भी अभी भी आपके पार्टी के प्रेसिडेंट। नहीं देखिए, अभी जो गोपाल अटाला जी को छोड़िए, आप जो टॉप हमारे लीडरशिप है सारी हाईली एजुकेटेड है और भाषा की मर्यादा में और अपने अपोजिशन अपने छोड़ रहे हैं आप। नहीं है, बिल्कुल है, उसको उसको उसके गोपाल इटालिया जो कि सबको बुलशिट बोलेंगे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप टॉप मोस्ट ही है देश के प्रधानमंत्री से लेके कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो आप पहले लीडर्स देखिए, वो अपने अपोजिशन वालों की भी रिस्पेक्ट करते थे, साथ में इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे के राजनीतिक काम भी करते थे। मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि यहां पे कैसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री की मां को भी नहीं छोड़े, उनके माता जी को नौटंकीबाज बोल दिया। माता जी को तो छोड़ दीजिए, माता जी ने क्या किया है? नहीं, उन्होंने कोई नहीं, माता देखिए उन्होंने जो कहा क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर में सुना देते हैं, युवराज पोखरना आपको जल्दी से याद दिलाना चाहते हैं, देन वी जस्ट प्ले इट आउट। युवराज पोखरना, यस सर, आप नेशनल डिबेट में बैठे हैं और आप जिस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपको मुझे लगता है कुछ पढ़ाई लिखाई करके आनी चाहिए। बहरहाल पद्मजा, लेट अस स्टिक टू द पॉइंट्स। द पॉइंट इज सिंस 2007 देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंसी एंड कॉन्सिस्टेंसी विद रिगार्ड्स टू हर्लिंग चॉइसेस अब्यूसेस एट पीएम मोदी। सर थोड़ी आप जिस पार्टी से, मैं समझ रहा हूँ सभ्यता उस पार्टी में नहीं रहती है, लेकिन मैं आपसे शालीनता से एक मिनट परविंदर सेठी जी, क्योंकि आपने कहा कि टॉप मोस्ट नेताओं की बात करो, छोटे छोटे लोगों की बात मत करो, प्रदेश अध्यक्ष की बात मत करो। आपको जल्दी से याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी समर्थन करते हैं उसके टॉप शीर्षतम नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को कावर्ड एंड साइकोपैथ बोला था। पर चलिए, एनीवे, गो ऑन, फिनिश योर पॉइंट। बस मुझे गिव मी 30 सेकंड्स। एज दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर इन इलेक्शंस, इफ हर्लिंग चॉइसेस अब्यूसेस टू पीएम मोदी गेट्स यू एंटी मोदी वोट्स, गेट्स यू मेजोरिटी, देन डू इट, फाइन करो, लेकिन लुक एट द नंबर्स स्पीक अदरवाइज। लेट मी लिस्ट अ फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस। Gujarat 2007 elections, Congress retained to 59 seats. 2014 elections, Congress 44 seats. UP 2017 elections, Congress 7 seats. 2019 elections, 52 seats. तो सर गालियां दे दे के आपका ही नुकसान हो रहा है। लेट मी गिव यू अ वेरी फ्री टिप। प्रधानमंत्री ने खुद एक बार कहा है कि गालियों को गुलदस्ता बनाने की कला मैं सीख चुका हूं। द मोर यू अब्यूज हिम, द मोर यू गोना बटरस हिज इमेज। आप उन्हीं को हेल्प कर रहे हो, क्यों गाली दे रहे हैं आप उनको? मुझे समझ नहीं आ रहा। कमर जमान चौधरी, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड, उनका टॉनिक जैसा काम करता है, काट दिया है पूरा। कमर जमान चौधरी, द मोर ही इज अब्यूज द मोर स्ट्रेंथ ही गेट्स। ऑफ कोर्स नाउ दैट इज द सिंपल, यू नो पद्मजा, दिस इज अ सिंपल टूलकिट एट वर्क। द इकोसिस्टम जंप्स ऑन द बैंडवैगन व्हेनेवर देयर इज सम टाइप ऑफ what you call this name calling happens against the prime minister, the marketing department of the IT cell comes into play and blast this out of proportion. So that's a marketing department out here, but you must understand the greater picture out here. You know the victim card that the prime minister wants to play, the propaganda machinery that the prime minister has created an aura against within around himself. But sir, aisa to nahi hai ki marketing department of IT cell is prompting Mr. Kharge to call him Ravan aur jhoot ka saudagar, jhoot ka sardar. या तो आप कह रहे हैं कि जैसे कि अमित मालवीय टेक फॉग यूज करके हर चीज इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे वो टेक फॉग यूज करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ना पद्मजा, लेट मी जस्ट साइट वन स्मॉल एग्जांपल। यू नो ड्यूरिंग दुर्गा पूजा इन कलकत्ता लास्ट ईयर, हिंदू महासभा विच सीम्स टू हैव इट्स आइडल्स फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी प्लेस्ड ए फोटो ऑफ महात्मा गांधी इन द प्लेस ऑफ असुरा। यू नो असुरा इज कंसिडर्ड एज अ डेमन। Then the people out there, they went in to justify that act of depicting Mahatma Gandhi as an asura. So there
that way there is no outrage, there is no actually uproar, not sir, because I remember following this story and barring one man, the front page of the newspaper that you are quoting, Indian Express itself, said that the justification given was that this is just a person pair of spectacles. This is not Gandhiji. That is what was the justification given. Anyhow, that being said, is it too much to expect that people would maintain the basic level of civility to each other, going by recent exchanges that we've had publicly, politically, and even on social media virtually? That seems to be expecting too much. I'll leave it at that. Thank you very much, gentlemen, for joining me.